राम मंदिर मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने पर अपना समर्थन जताया है। अंसारी के मुताबिक सरकार यदि मंदिर निर्माण के लिए कानून लाती है तो उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। अंसारी का कहना है कि उनके वालिद हाशिम अंसारी कानून का पालन करने वालों में शुमार थे और वो भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। देश में अमन चैन होना चाहिए, देश में सुकून होना चाहिए। अगर हमारे के जो है आपके कानून बनाने से देश में अमन चैन रहेगा तो बनाइए, हमें इसका कोई इतराज नहीं ना। खास बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए 25 नवंबर को वीएसपी ने अयोध्या में धर्म सभा का ऐलान किया है। कार्यक्रम में करीब 100,000 कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है। वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी 25 नवंबर को अयोध्या पहुंचने का ऐलान कर दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। इन सब के बीच इकबाल अंसारी का बयान काफी मायने रखता है। अब इकबाल अंसारी के बयान के बाद गेंद बीजेपी के पाले में चली गई है। अब तक कई हिंदू संगठन सरकार से कानून बनाकर मंदिर बनाने की मांग करते आ रहे थे। हालांकि इन सबके बीच आरएसएस के भैया जी जोशी ने ये कहकर सरकार का बचाव किया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से मंदिर निर्माण के लिए सरकार पर दबाव नहीं डाला जा सकता। लेकिन उन्होंने ये कहकर अलग संकेत देने की कोशिश भी की थी कि तिरपाल में रामलला के ये अंतिम दर्शन है। भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तिरपाल में रामलला का दर्शन ये हमारे लिए यह अंतिम हो और भव्य राम मंदिर में ही हम रामला के दर्शन करने के लिए आ सके, ऐसी परिस्थितियां बनती जाए यही हम अपेक्षा करते हैं। 11 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इस दौरान राम मंदिर का मुद्दा छाए रहने की पूरी संभावना है। लेकिन उससे पहले 25 नवंबर को आयोजित धर्म सभा में संतों का रुख भी सरकार के लिए काफी अहम होगा। सत्ता तक पहुँचने के लिए राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। अब देखना है कि 2019 के आम चुनाव में राम मंदिर का मसला बीजेपी के गले की हड्डी बनता है या फिर उसके गले का हार।